नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से ब्लड क्लॉट के साइड इफेक्ट का असर भारत की कोविशील्ड वैक्सीन पर भी पड़ा है। यहां वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग काफी घबराए हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने हेल्थ केयर वर्कर्स और वैक्सीन लेने वालों के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से वैक्सीनेशन के 20 दिन के भीतर थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट्स के लक्षणों को पहचान करने की अपील की गई है। यदि कोई गंभीर लक्षण नजर आता है तो उसे वैक्सीन सेंटर पर जाकर दर्ज कराएं। एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद, खासकर कोविशील्ड लेने के बाद, यदि आपको तेज सिर दर्द, छाती में दर्द, शरीर में सूजन, उल्टी के बिना, पेट में दर्द, दौरे या सांस लेने में तकलीफ जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें वैक्सीन सेंटर पर जरूर रिपोर्ट करवाएं। इसके अलावा यदि इंजेक्शन साइट के अलावा शरीर के किसी हिस्से पर लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं तो भी सचेत रहिए। यदि आपको माइग्रेन की समस्या नहीं है और उल्टी के साथ या उल्टी के बिना ही सिर में लगातार दर्द रहता है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ये सब लक्षण रिपोर्ट करवाना जरूरी है। वैक्सीन लगने के बाद कमजोरी, शरीर के किसी अंग का काम करना बंद कर देना, बिना किसी कारण लगातार उल्टी होना, आंखों में दर्द, धुंधला दिखना, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन या मूड स्विंग होने पे भी सामान्य बात नहीं है। इन सभी लक्षणों के बारे में वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हेल्थ केयर वर्कर्स को बताएं। वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट पर बनी राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि भारत में ब्लड क्लॉट के बहुत कम मामले ही कोविशील्ड के वैक्सीनेशन से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के प्रति 10 लाख डोज पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट्स के सिर्फ 0.61% मामले ही देखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन के मुकाबले भारत में वैक्सीन से साइड इफेक्ट के मामले बहुत कम देखे जा सकते हैं। इस डेटा का मूल्यांकन करने वाली सरकार द्वारा गठित कमेटी ने यह भी कहा है कि पश्चिम देशों की तुलना में दक्षिण एशियाई लोगों में वैक्सीनेशन के बाद थ्रोम्बोसिस या खून के थक्के बनने की संभावना कम हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ब्लड क्लॉट के अधिकांश मामले वैक्सीनेशन के पहले सप्ताह के बाद तक देखे गए हैं। ऐसे में वैक्सीन लेने वाले लोगों से 28 दिन के भीतर इसे रिपोर्ट कराने की अपील की गई है। ब्लड क्लॉट के मामलों से जुड़ा डेटा बताता है कि ब्लड क्लॉट की समस्या महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से देखी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन में किसी तरह के ब्लड क्लॉट की समस्या अभी तक भारत में नहीं देखी गई है। 31 मार्च को हुई बैठक के दौरान AEFI समिति को सौंपी रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीनेशन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स और मौत के कुल 617 मामले सामने आए हैं। 29 मार्च तक देश भर में टीकाकरण के बाद कुल 180 मौतें 29.2% दर्ज की गई हैं। हालांकि 236 मामले 38.3% के लिए ही कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है। ये वैक्सीन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है जो स्पाइक प्रोटीन पर काम करता है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाती है जिससे कि वायरस को पहचानने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती है। कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70% है, जिसे तकरीबन एक महीने बाद दूसरी डोज के साथ 90% तक बढ़ाया जा सकता है। यह न सिर्फ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में राहत दे सकती है बल्कि तेजी से रिकवरी भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।